पोर्च की तरफ यहाँ पर एक विंडो भी है जो कि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरत भी लगेगी। प्लस दोस्तों जो मेन पर्पज़ है वो वेंटिलेशन है, ताकि विंडो के थ्रू रूम के डाइनिंग एरिया की तरफ हवा और रोशनी आती रहे। दोस्तों ये था डाइनिंग एरिया। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसके साथ सामने देखें तो आपको ये जो डोर नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारे किचन का है। तो इसमें एंटर होते हैं, आपको दोस्तों तकरीबन 5 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई का किचन यहाँ पर मिल रहा है। 7 फीट इसकी चौड़ाई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आपका अलमारियाँ, आपका चूल्हे, आपके सब ओवन्स वगैरह सब इसमें इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। दोस्तों किचन में भी इम्पॉर्टेंट वेंटिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक OTS रखा हुआ है इस जगह में। तो एक वेंटिलेटर यहाँ पर होगा इस जगह में, इसके थ्रू जो किचन की स्मेल या स्मोक वगैरह होती है वो बाहर एग्जॉस्ट होगी। प्लस दोस्तों रोशनी वगैरह भी आती रहेगी किचन के अंदर। तो किचन से वापस बाहर चलते हैं दोस्तों। तो आपको ये जो सेंटर में डोर नज़र आ रहा है ये हमारे मास्टर बेडरूम का है। तो इससे दोस्तों एंटर होते हैं मास्टर बेडरूम में। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका मास्टर बेडरूम है। 10 फीट चौड़ाई है इसकी, 11 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों यहाँ पर आप अपना बेड सेट कर सकते हैं और सामने अलमारी आपकी इजीली एडजस्ट हो जाएगी। ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह, कंप्यूटर टेबल वगैरह सब बहुत ही इजीली यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्ट हो रही हैं। तो दोस्तों इसी रूम में दोस्तों हमारे पास अटैच टॉयलेट भी है। यहाँ पर ये जो डोर आपको मिल रहा है ये अटैच टॉयलेट का है। तो इसमें एंटर होंगे आपको दोस्तों तकरीबन 4 फीट चौड़ाई और तकरीबन 7 फीट लंबाई का अटैच टॉयलेट मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका शॉवर आ जाएगा, आपके टॉयलेट सीट और वॉश बेसन वगैरह इजीली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। टॉयलेट में भी वेंटिलेशन इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर OTS की तरफ एक रोशनदान दिया हुआ है इस जगह में, ताकि टॉयलेट की स्मेल वगैरह इसके थ्रू बाहर एग्जॉस्ट हो, घर के अंदर की तरफ ना जाए और रोशनी भी आती रहेगी इस टॉयलेट के थ्रू। दोस्तों बिल्कुल इस OTS की तरफ से बिल्कुल रूम की तरफ एक विंडो भी होगी यहाँ पर, सेम वेंटिलेशन के पर्पस के लिए। तो दोस्तों ये था इसका ग्राउंड फ्लोर का नक्शा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कोई मिस्टेक मिलती है तो वो भी बताएं। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।